नमस्कार। मायावी ग्रह राहु ने रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है और जून के महीने में राहु आपको क्या परिणाम देने वाले हैं? क्या आपकी राशि को राहु धन दौलत की वृद्धि देंगे, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी देंगे? देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है, अगर ये आपने इसको साध लिया, साधने का मतलब होता है इसको खुश कर लिया, तो इस दुनिया में जो ये राहु और केतु आपको दे देंगे वो कोई ग्रह और दे ही नहीं सकता। हर ग्रह की लिमिट्स हैं, हर ग्रह की एक लिमिट है, राहु की कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत है। ये ऐसे रिजल्ट देता है जो कभी खत्म ही ना हो। तो राहु का रेवती नक्षत्र में प्रवेश करना जून के महीने में क्या रिजल्ट देगा कुछ लकी राशियों पर? ऐसी तीन राशियां हैं जिन पर राहु जी खोल कर पैसा बरसा रहे हैं, खुशियां बरसा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन सी वो राशियां, और ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। राहु जब देने को आते हैं तो आकस्मिक धन लाभ देते हैं, यानी अचानक से, पता ही नहीं चलेगा कहां से पैसा आ गया, अचानक से आपकी प्रमोशन हो जाएगी। रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में इनका प्रवेश तीन राशि वालों के लिए तो ऐसा है जैसे मानो उनकी मनोकामनाएं ही पूरी हो गई सारी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। मेष राशि है वो पहली राशि। आप लोगों के लिए राहु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही लाभकारी है जून 2024 में। आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी, साथ ही साथ कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, यानी भौतिक सुख क्या होते हैं, टीवी, फ्रिज, घर की छोटी बड़ी चीजें, ऐसे सुखों में बढ़ोतरी होगी, यानी आपके घर में चीजें आएंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, चुनौतियों का सामना आप आराम से कर पाएंगे। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही साथ शादीशुदा लोगों का भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। पति पत्नी दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, एक अच्छी स्थिति आपकी बन रही है राहु की कृपा से। राहु कहीं ना कहीं आपको देश विदेश की यात्रा भी कराने वाले हैं, राहु तीर्थ यात्रा भी कराने वाले हैं, राहु आपको पिकनिक में या परिवार के साथ कहीं छोटा बड़ा ट्रिप भी कराने वाले हैं। आकस्मिक धन लाभ तो दे ही रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है मेष राशि वालों का। राहु को प्रसन्न करने का उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। आपको भी हर वो छोटी मोटी खुशियां और सुख मिलेगा जून के महीने में जिसके आप हकदार हैं। आप अपने करियर में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, आपके जो सीनियर लोग हैं वो लोग आपके साथ मिलजुल कर काम करेंगे, आपकी हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, यानी आप जिससे जो बोल देंगे वो व्यक्ति उसको सुनेगा भी और करेगा भी, लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, नया बिजनेस, नई नौकरी की तलाश पूरी होगी, स्टार्टअप लग सकता है, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, व्यापारियों को धन उधार में मिलेगा काम काज चलाने के लिए, यानी मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर बैंक से लोन भी ले सकते हैं। अगली राशि है मकर राशि। आप लोगों के लिए नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही लाभकारी है, जबरदस्त आपकी इनकम में इजाफा होगा, साथ ही साथ नए आमदनी के रास्ते खुलेंगे, करियर के मोर्चे पर भी जबरदस्त लाभ होने वाला है, कारोबार के बीच में आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, व्यापारी वर्ग को इस समय में बहुत बढ़िया डील हाथ में लगेगी जिससे भविष्य भर लाभ होता रहेगा, यानी एक ऐसी डील जो अगले 10-15 सालों तक आप उसको करते रहेंगे और रोज अपना नियमित प्रॉफिट लेते रहेंगे। धन का निवेश, इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, दुकान छोटी है तो बड़ी करेंगे और बिजनेस को बढ़ाएंगे। इस दौरान आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति में भी बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। ये वो तीन राशियां थी जिन पर राहु का शुभ परिणाम मिल रहा है। अब देखिए राहु ग्रह क्या, राहु को छाया ग्रह बोला गया है, राहु छाया ग्रह है, तो राहु जिसका स्ट्रॉन्ग है इस युग में उसके पास सब कुछ है। अब आप में से जो भी, जो तीन राशियों की हमने बात करी, जो भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग सोशल मीडिया में अपना कोई वीडियोस वगैरह बनाते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, अगर आप तीनों में से राशियों में से कोई भी व्यक्ति इस फील्ड से जुड़ा है उसके लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं, अगर आप लोग चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे व्यापारी हैं, कोई भी हो, राहु को क्या बोला गया, परछाई, और परछाई क्या होती है, नेगेटिव, यानी जो फिल्म बनती है कहते हैं ना परछाई, चलचित्र, हिंदी में चलचित्र बोलते हैं मूवीज को। आप लोग अगर कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, एडवर्टीजमेंट का सहारा लीजिए, यानी कि
जितना आप एडवर्टीजमेंट करेंगे उतनी आपकी तरक्की बढ़ती चली जाएगी। राहु को स्ट्रॉन्ग करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि एडवर्टीजमेंट यानी चीजों को फैलाइए। राहु विस्तार का ग्रह है, सिमटने वाला ग्रह नहीं है। राहु को आप समेट के रखेंगे तो आप नुकसान खा जाएंगे। राहु को फैलने दीजिए, और फैलना कैसे, व्यापार को फैलाइए, चीजों को फैलाइए, तो राहु बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अब राहु जो है धर्म का कारक भी है, केतु भी धर्म का कारक ग्रह है। तो आप लोग धर्म कहाँ है, धर्म है मंदिर में, तो मंदिर जाइए नियमित रूप से, चाहे हनुमान जी के मंदिर जाए, चाहे शिव जी के मंदिर जाए, तो वहां पे भगवान के दर्शन करें, जलाभिषेक करें शंकर जी का, इससे आपको बहुत लाभ होगा। मंदिर जाना आपके राहु को स्ट्रांग कर देगा। और कुछ ऐसे लोगों की मदद कर दीजिए जो लोग गरीब है, उन्हें तीर्थ यात्रा करनी है, उनकी तीर्थ यात्रा में अगर आप कुछ यथासंभव मदद कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए इन तीन राशि वालों के लिए राहु को स्ट्रांग करके। राहु कंफ्यूजन भी है, अगर आपने राहु को सही तरीके से नहीं समझा तो राहु आपको कंफ्यूज कर देंगे हर एक चीज में, यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देंगे। तो ध्यान से इस राहु को स्ट्रांग करते हुए आगे बढ़े और लाभ उठाए। भगवान शंकर और भगवान हनुमान की आराधना से आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना या बनवाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूंगा, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मेरे सितारे क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और इस अपॉइंटमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी किस्मत कैसी है, सितारे कैसे हैं, और कैसे आपकी जन्म कुंडली को सही करके आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सके। तो आइए हमारे पास, मिलाइए फोन और दिए गए नंबर पर संपर्क करिए और अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए। राहु ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है, राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और राहु अगर अशुभ है तो ले भी लेता है। तो राहु को हमेशा शुभ बना के चलिए, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस युग का राजा राहु ही है। फिर एक बार आपसे बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हैं, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, कोई गलती हुई है हमसे तो हमें इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बताइएगा और हम आपकी बातों पर जरूर अमल करेंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं कहते हैं नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, ना शादी हो रही है, शादी हो गई है तो पत्नी से या पति से बनती नहीं, सास बहू का प्यार नहीं मिलता, घर के जिस कमरे में जाओ वहां पर अशांति दिखाई पड़ती है, खाना खाने को मन नहीं करता, ऑफिस में दिल नहीं लगता, यारी दोस्ती खत्म होती जा रही है, प्रेम संबंध में दरार पड़ती जा रही है, क्या करें, हर जगह पे हलचल है, घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं, किसी ने नजर तो नहीं लगा दी, लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया, लगता है किसी ने हमारी खुशियों को बांध दिया है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इसका एक निवारण है हमारे पास, वो है L3। L3 में क्या आएगा, एक पायराइट पत्थर आएगा जो आपको अपार धन सुख और एक सुंदर यौवन यानी कि एक सुंदर खूबसूरती देगा, पैसे के साथ, अपार पैसे के साथ। और दूसरा पत्थर है लाजवट। लाजवट पत्थर जितने भी आपके शत्रु हैं जो आंखों से दिखते हैं वो, जो नहीं दिखते हैं जो पीठ पीछे वाले शत्रु, उनका भी सफाया और हर प्रकार के तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा से मुक्ति। तीसरा जो पत्थर है ये है फिरोजा, ये आपके लक को बढ़ाएगा, भाग्य को चमकाएगा, जो चीज कल मिलनी थी वो आज दिलाएगा। इन तीनों की तिगड़ी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की तिगड़ी आपकी बिगड़ी बना देगी। L3 लिखकर व्हाट्सएप करें, ऑर्डर करें, शुद्ध है, प्राण प्रतिष्ठित है, गारंटी है आपकी बिगड़ी बन जाएगी। इससे ये सस्ता में आपको दे रहा हूं लेकिन क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप अब मेरे पास हंसते हंसते आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि आपकी भी बिगड़ी बनने वाली है। L3 लिखिए, व्हाट्सएप करिए, अभी पेमेंट करिए और बुक कराइए, न जाने कब ये लॉकेट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। नमस्कार।